माँ लक्ष्मी को कौन अपने पास नहीं रखना चाहता। धन और संपत्ति की देवी है माँ लक्ष्मी। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी कुछ ऐसी बातों से रुष्ट हो जाती है, इसलिए इन कामों को करने से बचना चाहिए। ये भी माना जाता है कि ऐसे कुछ काम होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। इसका मतलब है कि महालक्ष्मी कहीं भी टिककर नहीं रहती, इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं ऐसी ही पांच बातों के बारे। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं और किसी को गाली देते हैं, उन लोगों के घर माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। कहा जाता है कि गुस्सा करने से नकारात्मकता बढ़ती है और जिस घर में नकारात्मकता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसकी जगह ऐसा घर जहाँ शांति और रहने वाले लोगों के बीच प्यार और समन्वय होता है वहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा घर जहाँ पंडितों और धार्मिक ग्रंथों का अपमान होता है वहाँ भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके अलावा ऐसा घर जहाँ सुबह शाम दीपक नहीं जलाते वह भी महालक्ष्मी मुड़कर नहीं देखती है। सुबह शाम दीपक नहीं जलाने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसा घर जहाँ लोग साफ सफाई नहीं करते हैं और आलसी होते हैं। जो लोग दूसरों का धन गलत तरीके से लेना चाहते हैं और किसी को धोखा देते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती है। ऐसे लोग जो स्त्रियों का अपमान करते हैं, घर की लक्ष्मी को बुरा कहते हैं, उनके घर पर माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। गुरु का अनादर करने वाले और गंदे कपड़े पहनने वालों का साथ भी नहीं देती माँ लक्ष्मी, ऐसे लोगों के घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती।